हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड इवनिंग टू एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है नेहा उस्टवार और आप सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और आज हम लोग सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं साथ में। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस सेशन? ओके, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि सेशन का जो रिजल्ट है वो आप लोग ही मुझे बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग आज खुद को एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ कौन कितने पानी में हैं। सो बताइए, आर यू गाइज रेडी? चलिए जल्दी से एक बार आप लोग अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और सेशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत मजे से आज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पर। जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, मैंने तो कर दिया है शेयर, आप लोगों ने शेयर कर दिया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, ठीक है? ऑल राइट गाइज, चलिए क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरी और भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। काम क्या करना है आप लोगों ने, तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, शेड्यूल आपका अन अकेडमी पर भी है, आप मुझे अन अकेडमी के ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस का जो आपको शेड्यूल मिलेगा वो आपका इस प्रकार है, 12 बजे आपकी क्लास है, देन आपकी 1 बजे क्लास है और आपका क्लास है 2:30, ठीक है? ये आपकी कुछ क्लासेस हैं। 12 बजे की जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 1 बजे और आपका 2:30 पे जो सेशन है दोस्तों, ये आपके प्लस सेशन है, ये आपका पुलिस के लिए चल रहा है, पुलिस और पटवारी लेखपाल के लिए। 2:30 का जो सेशन है ये आपका रेलवे के एग्जाम्स के लिए चल रहा है, तो आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं। और आप जब अन अकेडमी पर मुझे सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए आप नेहा मैम सर्च करना, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, तो नेहा मैम सर्च करना, ठीक है? इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपना प्रोफाइल एक बार पिंग करा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे एंड यू कैन चेक दी क्लासेस, राइट? एंड यूट्यूब सेशंस रहते हैं मेरे डेली इवनिंग में 5 बजे, मंडे टू सैटरडे डेली रहते हैं, ठीक है? डेली मंडे टू सैटरडे इवनिंग में 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। तो अगर आप लोग अब तक भी कनेक्टेड नहीं है मेरे साथ में, देन प्लीज़ गो एंड फॉलो दी क्लासेस। और जैसे आपका आज का शाम का 4 बजे का सेशन है, इसी तरह से आपका कल भी सेशन रहेगा, संडे स्पेशल, और यही रहेगा वाईफाई स्टडी के मेन चैनल, राइट? तो गाइज, अगर आप लोगों को सेशन देखने हैं तो यहाँ पर जैसे कि ये सेशन है 5 बजे का सेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, डेली रहता है शाम को 5 बजे, अपनी डेली बेसिस की साइंस को क्लियर करने के लिए, राइट? ओके, चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूँ, आज हमारा मॉक टेस्ट 4 है। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, तो सीक्वेंस में आज हमारा 4th मॉक टेस्ट है। दोस्तों, आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ा सा काम करना है, प्रॉफिट्स आपको पता है आपको क्या क्या रहने वाले हैं, आप लोगों ने बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर स्टेप रहता है आपके जोनों को सिलेक्ट करने का, आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस जोन से यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं। देन आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, देन आप यहाँ पर मेरा कोड लगा सकते हैं। भाई, कोड बहुत मज़ेदार चीज़ यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ये आपको डिस्काउंट दिलाएगी और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आपके सभी पैकेजेस पे, चाहे आप किसी भी स्टूडेंट किसी भी जोन के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी एजुकेटर के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप सब जगह मेरा कोड लगा सकते हैं YT नहीं, तो ये कोड आपको सब जगह हेल्प करेगा, ठीक है? इसी के साथ आपके यहाँ पर अमाउंट कम हो जाएगा इस कोड को लगाने पर, देन आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट का मेथड आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हर तरह का है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं लेकर आ गई हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना और ट्राई करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्न में से कौन सा एक बहुत ही बढ़िया सा समाधान है जिसके द्वारा आप गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पा सकते हैं? आंसर्स ट्राई करिए, कौन सा होगा, डंपिंग, बर्निंग, रिसाइकलिंग या बरिंग? मतलब आप कहीं पर फेंक दें, डंप कर दें कचरे को, या आप जला दें उसे, या रिसाइकिल कर लें, या फिर आप उसे कहीं पर दबा दें, मिट्टी के अंदर दफना दें, क्या आपका सही आंसर होगा? टाइमर आपका शुरू हो रहा है,
30 सेकंड्स आपको मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों ने टाइमर के हिसाब से ही ट्राई करना है सही आंसर देने का, राइट? सब लोग ट्राई करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं गाइस, मैं आपको बताऊंगी सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर टाइमर खत्म हो गया है, एक बार मैच कर लें, आपका जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेस्ट तरीका है रिसाइकलिंग करने का, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं आजकल एनवायरनमेंट को लेकर कितना सारा इशू क्रिएट होता है ना, प्लास्टिक को लेकर कितनी परेशानी है ना, गैसेस को लेकर कितनी परेशानी है, तो हम कहीं पर डंप तो कर नहीं सकते, वहाँ की मिट्टी पानी सब खराब हो जाएगा, हम उसे जला भी नहीं सकते, हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, गैसेस कितनी खराब निकलती हैं वहाँ से, सब कुछ पॉल्यूशन में बदल जाएगा, हम उसे कहीं पर दफना भी नहीं सकते, वहाँ की मिट्टी खराब हो जाएगी। जैसे अगर किसी पॉलीथीन को आप दबा देते हो मिट्टी में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो पॉलीथीन उस आसपास की सारी मिट्टी को बहुत खराब कर देती है। तो अच्छा तरीका है रिसाइकलिंग करने का, रिसाइकलिंग के द्वारा हम उन चीज़ों को वापस से यूज में ला सकते हैं, राइट? सब लोगों ने मार्क किया है, ठीक है। देखो एक काम करते रहना, वो काम क्या है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप खुद को स्कोर करना +1, ठीक है, सही आंसर के लिए। अगर आपका आंसर गलत होता है देन आप खुद को स्कोर कर सकते हैं 0। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच कंडीशन ट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू डाई, किस हालत में जो पेड़ हैं वो मरने के लिए सबसे ज्यादा वीक हो जाते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी, ऐसा कौन सा फेज बनेगा जिस फेज में कोई भी पेड़ जो है ना वो मर सकता है, मतलब बहुत कमजोर हो जाएगा और फिर मर जाएगा। आंसर्स देखिए क्या क्या लगता है आपको, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, 30 सेकंड्स आपको फिर से मिलने वाले हैं। तो अगर ये अपनी छाल खो देता है, अगर ये अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, या फिर इसकी आधी टहनियाँ ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं, या फिर इसकी आधी पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा सा सोचो, ए बी सी या डी। गाइज शेयर कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जितना ज़्यादा शेयर करोगे फायदा ये होगा कि ज़्यादा कैंडिडेट जब क्लास में होंगे ना, आपका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, देखो टाइमर खत्म हो चुका है, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी आधी ब्रांचेस टूट जाती है ना, तो सिंपल सा है, ब्रांचेस टूट जाएंगी तो पत्तियाँ भी ऑटोमेटिकली साथ में चली जाएंगी ना, तो आपका जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, मतलब वो जल्दी से खत्म हो सकता है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, टैगा इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये बताइए टैगा किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज साइंस में ही अब आपका ईवीएस भी पूछा जाने लगा है आपके पेपर्स में, तो आपके चाहे रेलवे का पेपर होने वाला हो, एनटीपीसी या जेई का, आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम होने वाला हो, आपका सीजीएल का पेपर है, या फिर आपका सीएचएसएल का पेपर है, आपके पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, या गाइस आपके लेखपाल पटवारी या पीसीएस तक के पेपर्स हैं, सभी में आपका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेल, टैगा किस प्रकार का इकोसिस्टम है, कोई आइडिया किसी की तरफ से? हाँ जी, थर्ड का, चलो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी लोग कि वो मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में उसकी आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड गाइस। नीरज, बार्क से फर्क नहीं पड़ेगा, बार्क एक बार जाता है तो दोबारा आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा पेड़ के ऊपर। अच्छा, टैगा के बारे में अपन लोग बातें कर रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा गाइज, एक बार थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करो। देखो टैगा, देखो ये आप देख रहे हो पिक्चर स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा टैगा इकोसिस्टम का एग्जांपल है, देख पा रहे हो, सब कुछ है प्रॉपर, इसमें प्लांटेशन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पानी भी है, यू नो, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ है आपका। या फिर आप ये वाला देखें, यहाँ पर आप ठंडी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, हिल्स एरिया में, जहाँ पर बर्फ भी है, लेकिन स्टिल वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे का मतलब है जो टैगा है ना, ये वाला टैगा, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार्क करेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड नहीं होगा गाइस। टैगा में हम सिर्फ ग्रासलैंड के बारे में बात नहीं करते, हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट समझ रहे हो, फॉरेस्ट में छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे सब इंक्लूड हो गए, ग्रास भी आपकी आ गई वहां पर, ठीक है, और
टुंड्रा, टुंड्रा की जो वनस्पति है थोड़ी सी वो भी आपकी वहाँ पर इंक्लूड हो गई। तो जो बेस्ट एग्जांपल इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए वो टैगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार्क करिएगा। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो आप लोगों ने देख लिया है ना, पिक्चर याद रहेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, विच इज अ बेस मेटल ऑफ अमालगम एलॉय, अमालगम एलॉय का आधार धातु कौन सी है। ट्राई करिए आप सब लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। जी अनुराग, धारीवाल, अपूर्वा, हर्ष, विमल, फोर साइड क्रेजी गेमर, रमन जी, सब लोग ट्राई करेंगे। हर्ष, संदीप जी, भाई टाइमर खत्म होने वाला, आपका ध्यान रखना है टाइमर का भी साथ साथ। तो गाइस टाइम्स अप। अब देखो अमालगम एलॉय जो है ये किस बेस धातु का बनता है, तो याद रखना ये बनेगा मरकरी का। मरकरी इकलौती ऐसी धातु है जो कि धातु होते हुए भी लिक्विड कंडीशन में मिलती है। सही यस और नो, मिलती है ना लिक्विड अवस्था में। तो दोस्तों अगर मैं मरकरी के साथ में कोई भी मेटल मिला दूं, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो अमालगम के नाम से आएगा। तो याद रखना अमालगम किसका अलॉय है, ये मरकरी का अलॉय है, हिंदी में इसे पारा कहते हैं, ठीक है, और ये लिक्विड अवस्था में रहता है। तो इसका जो मिश्र धातु होगा वो भी आपका लिक्विड का ही बनेगा, बिल्कुल सॉलिड नहीं बनेगा। डन। चलो ये क्लियर हो गया है, राइट। तो अली सोहेल, स्मार्ट सूरज, इंद्रा, संदीप, सूरज, तुलसी, अनुराग, रुपेश, सपना, रमन, अभिषेक, गौरव, कमल, गाइज इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, निम्न में से कौन सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, रिजिड थ्री डायमेंशनल, आप थ्री डायमेंशनल को 3D भी पढ़ सकते हैं, पेपर में ये 3D के नाम से भी आ सकता है, हेक्सागोनल लाइक फुटबॉल, और नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ए बी सी या डी। ज्योति श्रीवास्तव वेरी गुड, रमन, संदीप, इंद्रा, सूरज कुमार, सुमन, कमल, हर्ष, गाइज अच्छे से अच्छे आंसर्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करने हैं, ठीक है, सभी लोगों ने आंसर्स करने हैं। गलत होगा कोई इशू नहीं है, हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भाई आपका टाइमर कैसे हुआ, ओके टाइमर रुक गया है, क्या हो गया, चलो भाई टाइमर तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। किसको लॉक कर दें ही बता दें मुझे, यहाँ पर हम किसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ हम लॉक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, एम आई राइट। हेक्सागोनल रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर, है ना, एक बार देख लेते हैं कैसा रहता है हेक्सागोनल। तो हम इसे षटभुज के नाम से जानेंगे। यहाँ देखिए, देखो असल में जैसे हमारे पास कार्बन है ना, कार्बन एक हमारे पास नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। गाइज इस कार्बन के हमारे पास अलग अलग तरह के एलोट्रॉप्स मिलते हैं, मतलब एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है, कार्बन किस किस रूप में पाया जा सकता है धरती पे। तो कार्बन डायमंड के रूप में भी मिलता है, ग्रेफाइट के रूप में भी मिलता है, और बकीबॉल फुलरीन बकीबॉल के रूप में भी मिलता है। तो ये तीन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, दीज आर एलोट्रॉप्स, ये एलोट्रॉप्स है कार्बन के, और इन्हीं रूप में कार्बन मिल सकता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका, ये हो गया हेक्सागोनल, ये बताइए, इज दैट क्लियर, डन। ओके चलिए, हाँ जी नॉन मेटल है, बिल्कुल नॉन मेटल है, और एलोट्रॉप्स के बारे में अगर कभी पूछा जाता है कि अपर रूप क्या होते हैं, तो अपर रूप का मतलब है कि कोई भी धातु या फिर कोई भी पदार्थ कितने तरह से मिल सकता है, कितनी अवस्थाओं में आप उसे देख सकते हैं, राइट। निशांत सिंह, हेलो, गुड इवनिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड विल,
आप लोगों ने आइसक्रीम बहुत मजे में खाई है ना। आप लोग जाते होंगे आइसक्रीम पार्लर या फिर कभी आप लोग अपने घर पर आइसक्रीम लाकर खाते हैं। गाइस जब आप लोग आइसक्रीम कौन सी वाली खाते हो, ब्रिक वाली है ना, जो ब्रिक वाली आइसक्रीम आती है, अगर आप उसे खाते हैं तो आप उसे बाउल में करते हैं है ना, उसके पीसेस करके। गाइस अगर आपने स्पून यहाँ पर लकड़ी की ली, ठीक है, लकड़ी की स्पून ली है, तो अदर एंड जो आपके हाथों में उसका एंड है वो एंड ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या रेडिएशन की वजह से ठंडा हो जाएगा या फिर ठंडा होगा ही नहीं। ये बताइए, वुडन स्पून है, ठीक है, लकड़ी का स्पून है, ये ध्यान रखना, बस ट्राई करो। जी देखो नीरज, थ्री डायमेंशनल है, बात सही है, लेकिन थ्री डायमेंशनल के साथ में भी कुछ लिखा हुआ था जो गलत था, ठीक है, सही आपका रहेगा हेक्सागोनल। ओके गाइस यहाँ बताइए मुझे सही आंसर, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, वेरी गुड। चलिए भाई टाइम होता है आपका आप, और आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि लकड़ी का स्पून है ना, और लकड़ी का स्पून कभी भी ऐसे ठंडा होता ही नहीं है, ना उसमें आपका कंडक्शन होगा, ना कन्वेक्शन होगा, ना रेडिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वुडन है, और लकड़ी जो है वो कैसी होती है, वो आपकी बहुत ही बेकार कंडक्टर होती है, बेड कंडक्टर होती है ना, यानी कि अपने अंदर हीट का संचालन नहीं करेगी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, कौन सा अम्ल है जो सबसे प्रचुर मात्रा में अंगूरों में पाया जाता है, अंगूर, ठीक है, ट्राई करिए कौन सा है आपका आंसर सही, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। गुड गाइज, चलो आपका टाइमर भी खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा वाला, ए बी सी या डी, सही बताएं। अच्छा यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक एसिड। देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या खेल हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बाद में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पहले लिखा हुआ है, तो आंसर ध्यान रखना टार्ट्रिक एसिड मिलेगा अंगूरों में, ठीक है। ऑक्सैलिक कहाँ मिलता है, ये मिलता है टमाटो में, याद है टमाटर में कौन सा मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ये तो विटामिन का नाम है ना, कौन सा, विटामिन सी। और फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, चीटी में, चीटी में, मधुमक्खी में, है ना, और आपके जो ततैया होता है वैस उसमें, ठीक है। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखिए फिर इसी बात पे, ये क्या कहता है, एक ऐसी डिवाइस which is used for the detection and measurement of all types of radiation, alpha, beta and gamma. आपसे बोला गया है एक ऐसी डिवाइस के बारे में पता करके बताइए जो डिटेक्ट भी करती है और मेजर करती है सभी प्रकार के विकिरणों को, चाहे वो अल्फा है, बीटा है या गामा है, बताइए कौन सी यहाँ पर डिवाइस रहेगी। गीगर काउंटर से आप इसे मेजर करेंगे, पोलारीमीटर से मेजर करेंगे, कोलारीमीटर से मेजर करेंगे, या बच्चा रेडियोमीटर से मेजर करेंगे, ट्राई करिए दोस्तों ए बी सी या डी। हाँ जी अपूर्वा श्रीवास्तव, सपना, रितिका, हर्ष, राहुल, अभिषेक घोष, रमन, मंटू, एक्सेलेंट बॉय जी, अच्छा उल्टा याद था, सरोज अभी याद हो गया है, क्लियर है। ध्रुव, राहुल क्लास का टाइमिंग आपका रहेगा 12 बजे, ठीक है, अभी जो क्लास होती है ना अकेडमी पर वो 12 बजे रहेगी। ओके गाइज आंसर क्या होगा आपका, भाई टाइमर आपका खत्म हो चुका है, आपका जो सही आंसर होगा कहाँ गया हमारा कर्सर, जी आंसर आपका रहेगा यहाँ पर गीगर काउंटर, ठीक है, बिल्कुल नीरज बिल्कुल सही कह रहे हैं, गीगर मीटर काउंटर भी कह सकते हैं इसको, द ए इज द राइट आंसर, तो जिसका भी सही आंसर है प्लस वन खुद को नंबर दे देना, जिसका गलत हो गया है वो शून्य दे देना। दोस्तों देखो क्वेश्चन बहुत मजे के आते हैं साइंस में, बिल्कुल भी बोर आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि सारी साइंस ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है या हम उससे रिलेट नहीं कर सकते, अरे भी कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमारी घटित होती है ना, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ईच एंड एवरी थिंग इज रिलेटेड टू दी साइंस। या तो फिजिक्स से रिलेट कर रहा है, या केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, या बायोलॉजी, क्योंकि हमारा बॉडी तो हमारे साथ में हमेशा रहता है ना, तो बायोलॉजी तो हमेशा काम करता रहता है। अब हर जगह आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरह से अप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे, बस बिल्कुल चिल आउट होके इजी से आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर करके आना सही सही, बस बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा घबराओगे ना, उतना ज़्यादा आपको परेशानी वहाँ हो जाएगी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, मैंग्रोव्स आर प्लांट दैट हैव, मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं जिनके पास क्या होता है, मैंग्रोव्स ये बताइए, जिनके पास मॉडिफाइड रूट होती है, मतलब संशोधित जड़ें होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम होता है, रेस्पिरेटरी रूट होता है या रेस्पिरेटरी स्टेम होता है, ट्राई करें। बहुत बड़े क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चा, ट्राई करो। क्या बात है भाई, बहुत सारे आंसर्स आए हैं, वेरी गुड। तो आज टाइमर खत्म हो चुका है और आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। मैंग्रोव्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं, समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी मतलब ऐसी रूट, ऐसी जड़ें जिनसे वो श्वसन का काम करती हैं। सोचो पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा तो करते ही हैं श्वसन, साथ में यहाँ पर ये अपनी जड़ों के द्वारा भी करते हैं, तो इनके जो मूल हैं, जो इनकी जड़ें हैं, वो रेस्पिरेटरी पाई जाती है, श्वसन पाई जाती है। डन, अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपका टाइमर शुरू होता है अब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार रीड आउट करें, पता करके मुझे बताएं। हाँ जी, क्या कहते हैं विषय घोष, ड्यू टू सॉल्टी वाटर, तो मतलब आपको समझ में आ गया है कि मैंग्रोव्स पेड़ पौधे कहाँ मिलने वाले हैं। वेरी गुड, टाइमर खत्म हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। अब पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम लोग सेवेंथ और एट्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं प्लास्टिक के, उसके यूज़ पढ़ते हैं, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, पीवीसी यूज़ कहाँ कहाँ पर होती है, तो पीवीसी के हमारे बहुत सारे बिजली के उपकरण बनते हैं, जिसके हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, बच्चों के खिलौने बहुत बनते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह बहुत बनते हैं पीवीसी के, क्योंकि पीवीसी एक ऐसी प्लास्टिक होती है, एक ऐसा आपका बन जाएगा मटेरियल जो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ठीक है, बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होगा, बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, तो आपका आंसर रहेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। डन, ओके, अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम, ऑक्टोपस किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या आप लोगों ने ऑक्टोपस देखा है, कैसा होता है, अच्छा ये बताओ किस फाइलम से बिलोंग्स करेगा, मोलस्का, सिनेटेरिया, एक्टिनोडर्मेटा या कॉर्डेटा, ट्राई करें। ऑक्टोपस, कितनी भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस की, है ना, सुमन, हर्ष, उदीन, अजय, स्मार्ट एजुकेशन चैनल्स एंड एक्सेलेंट बॉय, पुरुषोत्तम, मीठा परा, महेश, सभी लोग आंसर्स करिएगा। अच्छा, एक काम और अच्छा होगा अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर बताएंगे, है ना, आपको भी मजा आएगा, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा इजी रहेगा। तो आप लोग क्या करें, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर करें, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाबू हनवटे, कह रहे हैं कि मोलस्का, उन्हें ऐसा लगता है, तो बात सही है। देखो, पहली बात, मोलस्का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मोलस्का एक ऐसा जगत है प्राणी का, एक ऐसा फाइलम है
जिसके अंदर मिलने वाले जो जीव जंतु हैं गाइस, इनकी बॉडी जो है ना ऊपर की स्किन वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, समझ रहे हैं? तो ऑक्टोपस के ऊपर की स्किन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। मोलस्का आपकी यही कैटेगरी है, मोलस्का नाम से ही पता चलता है जिनकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है, टेक्सचर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, राइट, वेरी गुड। चलिए एक और देखिए, और ये तो भाई हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, फटाफट से मुझे बता दो, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल टाइमर टाइम पर दूंगी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दूरी का सूत्र। आपके पास चार आंसर है, फटाफट से मुझे ट्राई करके बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये किसी ने गलत किया तो समझ जाना कि फिर आपको दोबारा से पढ़ना चाहिए पूरा जनरल साइंस, है ना। हाँ नीरज, रीजनरेशन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पावर, है ना। प्रफुल्ल गौर से आपके कमेंट्स बिल्कुल दिख रहे हैं, आप मुझे आंसर्स करते रहिए। हाँ जी, ऑल इन वन एक काम करो, अगर आप मुझे आंसर बताओगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना, आंसर बताओ। भाई बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्पीड के बारे में, है ना। यहाँ तो मुझे लगता है किसी से गलत होना चाहिए, स्पीड आपका रहता है मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं आपसे दूरी के बारे में बात कर रही हूँ तो स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका ए, सब लोगों ने ये मार्क किया या किसी को डाउट है? भाई यहाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पास जो गलत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों ने गलत बताया है, जैसे कुछ लोग मुझे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं या डी बता रहे हैं, बच्चा एक बार वापस जाके साइंस को रिवाइज कर लो, रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां रिविजन बंद करोगे ना परेशानी हो जाएगी, है ना। अब ये बताओ क्या आप एक इंसान को देखते हो तो आपको क्या वो याद रहता है हमेशा? नहीं ना, आप उसको जब दो तीन बार ही देखते हो, मूवी में देखोगे, अगर आपको कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद है ना, या फिर आपको एक्चुअल में कोई इंसान बहुत सही लगता है तो आप उसे दो तीन बार देखोगे तभी तो याद रहेगा ना। अगर आप उसे एक बार देखकर भूल जाओगे या फिर नहीं उसको वापस से रिवाइज करोगे तो आपको कैसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। सेम काम यहाँ पर भी है, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं समझते हैं तो उसे रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहोगे तो वो फीड रहेगा माइंड में। अगला देखिए क्वेश्चन, फेराड इज यूनिट ऑफ, फेराड किसकी इकाई है बताइए? कैपेसिटेंस धारिता, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस हम लोग यहाँ पर अवरोध के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे मेरे दोस्त जो हिंदी में पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश, और आपका लास्ट में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चालकता जिसे हिंदी में कहते हैं। ट्राई करिए क्या आपका सही आंसर है फेराड, ए बी सी या डी, वेरी गुड, ऑल इन वन। देखो ये ऐसा मजा आता है ना जब आप मुझे आंसर्स करोगे, ए बी सी या डी। सो गाइस टाइमर आपका अप हो चुका है, मैं आपको फटाफट से आंसर बता देती हूँ, सही आप लोगों ने मार्क करना ऑप्शन नंबर ए। याद है कितने लोगों को ये चीज की धारिता हमेशा फेराड में नापी जाती है, हमेशा, ठीक है। रिएक्टेंस नापा जाएगा ओम में, चार्ज नापा जाएगा आपका कूलाम में, और कंडक्टेंस चालकता किसमें नापी जाएगी? कुछ याद है थोड़ा बहुत, चालकता आपकी नापी जाएगी सीमेंस में, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छे से याद रखना, यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बायोलॉजी से पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर आपसे साइंटिफिक नेम पूछा है। ट्राई करिए कि एक्रेस सपोटा का वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं, यहाँ पर असल में क्वेश्चन है कि एक्रेस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? कस्टर्ड एप्पल का, गुलमोहर का, टर्मरेंड यानी इमली का, या चीकू का, किसका ये वैज्ञानिक नाम है? ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। दोस्तों ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। टाइमर आपका खत्म हो गया है, आप लोगों में से मुझे कम लोगों ने आंसर्स दिए हैं। जी गौरव, 5 बजे भी क्लास है, डोंट वरी, 5 बजे मैं आपको मिलूंगी वाईफाई 2.0 पे। हाँ चंचल यादव क्या कहते हैं, मैम चीकू, अच्छा ईश्वर भी, ऑप्शन नंबर डी, निशांत ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, तो गुड। जिन लोगों ने मुझे ऑप्शन नंबर डी बताया है दे ऑल आर करेक्ट, चीकू का वैज्ञानिक नाम एक्रेस सपोटा होता है। अब चीकू वेजिटेबल में आता नहीं है, ये आता है फ्रूट्स में, तो याद रखना कुछ स्पेशल फ्रूट्स के वैज्ञानिक नाम, कुछ वेजिटेबल के वैज्ञानिक नाम, कुछ आपके एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम, तो ये थोड़े बहुत वैज्ञानिक नाम आप लोग रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं आपको वीकेंड पर ही मिलती हूँ,
तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ तो नहीं लेकिन वाईफाई 2.0 पर पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है चीज़ें, आप मुझे वाईफाई 2.0 पर फॉलो कर सकते हैं डेली शाम को 5 बजे। अभी यहाँ पर हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं, राइट गाइज, फिजिक्स कवर कर रहे हैं, आप वहाँ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेरी क्लासेस है जो बिल्कुल फ्री हैं। ये क्लास आपको मिलेगी नेहा मैम के नाम से, नेहा मैम नाम सर्च करना, मेरे प्रोफाइल को सर्च करना, उसे फॉलो करना और फिर आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। क्लास आपकी होती है दोस्तों ये वाली 12 बजे, ठीक है, अनअकैडमी की 12 बजे है। और अगर आप कोई भी पैकेज में कोई कोड लगाना चाहते हैं तो आप मेरा कोड YT नेहा यूज कर सकते हैं, ये आपको बम्पर डिस्काउंट दिलवाएगा, ठीक है। हाँ, चीकू तो खोली है, सही बात है, चीकू तो हमारे कोली भी है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द ग्लोइंग सर्फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य की जो चमकती सतह होती है ये क्या कहलाती है, करिए ट्राई, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना या ट्रोपोस्फेयर, सब लोग ट्राई करेंगे। निशांत वाईफाई पर भी तो नेहा नाम से होगा ना, मेरा नाम तो एक ही है ना, नाम तो नहीं बदल रहा बच्चा। अभिषेक कभी भी चीकू को बंगाली में नहीं पूछेगा वो आपसे, है ना, साइंटिफिक नेम पूछेगा, बस काम खत्म, उससे ज्यादा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो अभी हम देख लें फिर इसका सही आंसर क्या होगा। अब पहली बात तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे जिसको नहीं पता है कि कैसा आपका आंसर रहने वाला है, क्या करने वाले हैं हम लोग, तो देखो जैसे हमारे सूर्य देवता हैं, तो हमारे सूर्य को ना हम लोगों ने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। मान लो ये हमारा सूर्य है तो हमने इसको ना अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा चमकदार है, इस तरीके से हमें ये याद रखना है, सही बात हो गई। तो याद कैसे करेंगे, है ना भाई, याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करती हूँ आपसे यहाँ पर इसके बिल्कुल अंदर के बारे में, तो दोस्तों ये तो कहलाता है कोर, भाई इसका सेंटर कोर कहलाएगा, सही बात हो गई। और इसके अलावा अगर मैं आगे के बारे में बात करती हूँ, जैसे आपकी ये वाली लेयर है, तो दोस्तों यही लेयर ना कम से कम बाहर की लेयर 2-3 पार्ट में डिवाइड करी गई है, जो सबसे बाहर की लेयर है इसे हम लोग यहाँ पर कोरोना के नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से, ठीक है, कोरोना से आप ज़्यादा परेशान हैं मुझे पता है। इसके अंदर की जो लेयर है दोस्तों ये हम लोग क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसके अंदर की जो लेयर है हम इसे फोटोस्फेयर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो 3 लेयर है, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ये 3 लेयर अच्छे से याद रखना। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, फोटोस्फेयर सबसे ज्यादा चमकने वाली सतह है, इसी वजह से हमारा जो सन है वो ग्लो करता है, ठीक है, इसी वजह से जो सन है वो ग्लो करता है, वो चमक पैदा करता है, रोशनी देता है पूरे संसार को, डन। चल, वेरी गुड, अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कौन थे खोजकर्ता या आविष्कारक इलेक्ट्रोस्कोप के, करिए ट्राई, विलियम गिलबर्ट, अल्फ्रेड नोबल, जोसेफ नाइसफोर निप्से या टेड नेल्सन, ये बताइए, ए बी सी या डी, दोस्तों ट्राई करो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, और अगर किसी को थोड़ा बहुत जानकारी हो कब किया था तो वो ये भी बता सकते हैं कब किया था। टाइमर आपका खत्म होने वाला है, पूरा ध्यान रखना उसका, ए बी सी या डी, भाई टाइमर आपका हो चुका है खत्म, तो दोस्तों आंसर क्या होगा ये बताओ, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, एंजॉय कर रहे हो आप लोग सेशन को, अगर एंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद भी रहेंगी, सारे क्वेश्चंस भी याद रहेंगे। तो वेल, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, तो ये आपका इन्वेंट किया गया है विलियम गिलबर्ट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, विलियम गिलबर्ट के द्वारा, और ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रोस्कोप किसके बारे में जानकारी देती है, तो याद रखना ये
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताती है ना। किसी को नहीं पता है तो याद रखना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश के बारे में जानकारी देती है, कहाँ कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, आवेश है या नहीं है। और ये जो खोज है ये 17वीं शताब्दी में की गई थी, 17th सेंचुरी में इसको खोजा गया था। तो याद रहेगा विलियम गिलबर्ट को लेकर। गुड, चलिए देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, फिजिक्स से पूछा गया है और थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा सोचो। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको हम लोग प्रक्षेप्य गति का नाम देते हैं हिंदी में, हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर हमें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव करनी है दो केसेस में, तो बॉडी को ना हम कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एक में तो थीटा पे हो रही है, एक केस है जिसमें हम लोग किसी भी वस्तु को किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु यहाँ जाके गिरती है। अब अगर दोस्तों दूसरे केस में भी मुझे इसकी यही रेंज चाहिए, रेंज समझ रहे हो, रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही रेंज चाहिए, तो मैं इस बार एंगल कितना रखूंगी, ठीक है, एंगल कितना रखूंगी बताओ। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी जी। बिल्कुल ऑल इन वन, बिल्कुल यही जो काम करना है। देखो जो चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे हो ऑल गुड, बहुत बढ़िया है। जो चीजें समझने में आपको दिक्कत हो रही है आप उसके लिए मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहो, है ना। तो अपन लोग साथ में मिलके सामान्य विज्ञान को बहुत बेहतर से बेहतरीन बना लेंगे कि आपके आने वाले जो पेपर है ना NTPC के, ग्रुप डी के, SSC के, वो आपके ऐसे क्लियर हो जाए। कम से कम GS का सेक्शन तो आपका बहुत अच्छा रहे, है ना, पूरा पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कि मैम थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, 120 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, क्या आंसर रहेगा। 90 माइनस थीटा या क्या। अच्छा ज्यादातर लोग मुझे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 60 माइनस थीटा भी कुछ लोग बता रहे हैं, तो चलो मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने मुझे बताया है ऑप्शन नंबर ए गलत है, जिन लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, 90 माइनस थीटा आप लोग मार्क करेंगे, क्योंकि जब आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर असल में हम बात कर रहे हैं रेंज बराबर होने की, फर्क आपका नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, राइट। चलिए अगला देखिए, पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो दाल होती है जिसको हम लोग दलहन का नाम देते हैं, तो दलहन निम्न में से किसका एक कंप्लीट सोर्स है और बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, मिनरल्स का या विटामिन्स का। अब दोस्तों मजे की बात ये, सब चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो हमारी उससे मसल्स बनती है ना, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। प्रोटीन खाओगे तो आपके एब्स बहुत अच्छे बनेंगे, मिनरल्स खाओगे तो आपके बाल नाखून स्किन बहुत अच्छी रहेगी, और विटामिन अच्छे लोगे तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से बढ़िया रहेगी। लेकिन दाल क्यों खाते हैं हम लोग, दाल खाने से क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। अच्छा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सबको पता है हमारे घरों में हम सबकी मम्मा जो होती हैं डेली कहती हैं बच्चा दाल खानी चाहिए, दाल खाओ, कम से कम दिन में एक टाइम दाल जरूर खाओ, है ना। रीजन क्या है कि दाल हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा देती है और प्रोटीन से हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, ठीक है, हमारी इससे मसल्स बनेंगी, मसल्स बनेंगी तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से सर्वाइव भी कर पाएगी, ठीक है, एक सुगठित शरीर रहेगा, राइट। ओके एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, निम्न में से कौन सा एक लोह का अयस्क है। ऑप्शन देखिए, डोलामाइट, एप्सम सॉल्ट, सिडेराइट या गैलेना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इसके ऑप्शंस इतने कमाल के हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं कर पाओगे अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि अयस्कों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डोलामाइट, एप्सम सॉल्ट, सिडेराइट और गैलेना, ट्राई करें ए बी सी या डी। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, टाइमर आपका खत्म हो चुका है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सेडर।
किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर आयरन को प्राप्त करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग मैग्नेटाइट का भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, डोलोमाइट से क्या प्राप्त होता है? डोलोमाइट से क्या प्राप्त होगा, एप्सम सॉल्ट से क्या प्राप्त होगा और गैलेना से क्या प्राप्त होगा? तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप इसे होमवर्क ही लें कि आप लोग डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है और गैलेना, ठीक है, ये किसका अयस्क है, आप इन्हें जरूर पता करके एक बार नोट करना, मुझे बताना आपके नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गैंट पैंडा? गैंट पैंडा आप लोगों ने देखा है? अच्छा नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना गूगल पे, या फिर कभी घूम के आओ किसी फॉरेस्ट या किसी सेंचुरी में, किसी नेचुरल पार्क में, आपको वहां देखने को मिलेगा, है ना। तो गैंट पैंडा बेसिकली क्या साइंटिफिक नेम रखता है? एलुप्रोपोडा मेलानोलुका, ठीक है, लंबा सा नाम है, कॉम्प्लिकेटेड साइज को याद रखना पड़ेगा ब्रेक करके, या फिर बालोप्टेरा मस्कुलस डेनास प्लेक्सिपस या हेलिएट सुलेकु सेफालस, ये बताइए। बहुत ही खतरनाक ऑप्शंस हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे आपको घबराने वाले, डराने वाले। क्या लगता है गैंट पैंडा के लिए? आपका टाइमर खत्म हो चुका है वैसे। देखो आप लोगों ने मार्क करना है ऑप्शन नंबर ए, ये गैंट पैंडा का आपका आंसर रहेगा। अच्छा थोड़ा बहुत कैसे पता करोगे, कहीं अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि कोई हिंट मिल सकता है तो कोई हिंट है इसमें? हिंट तो कुछ भी नहीं है, है ना, आपको याद ही करना पड़ेगा ये थोरोली, राइट। अच्छा कुछ लोगों ने स्किप कर दिया है, कुछ को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल गया अभी याद रखना, ठीक है। गैंट पैंडा का आपका जो रहेगा साइंटिफिक नेम ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ थोड़ा सा देख सकते हो हिंट, यहाँ पर पी ओ डी ए थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ पैंडा से रिलेट कर लो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। वेल अगला देखो क्वेश्चन, मिनीमा द डिसीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विद। मिनीमा एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब नर्वस डिसऑर्डर है, तंत्रिका तंत्र को खराब कर देती है और मछली खाने से हो जाती है, अगर मछली के अंदर किसका पॉल्यूशन होगा, आयरन मरकरी लेड या निकल, ए बी सी या डी। ट्राई करें सभी लोग, है ना, ईच एंड एवरीवन। और अगर एंजॉय कर रहे हो सेशन को तो कल भी मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊंगी, बहुत अच्छा सा, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे। अच्छा इमेज लगा देती इसकी, चलो अगली बार से ध्यान रखूंगी नीरज, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है, डोंट वरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी, मैं थोड़ा सा इमेजेस लगा दूंगी, वरना आप लोग मुझे पता है खुद से तो देखते ही नहीं हो ना, मतलब एजुकेटर ने जो बता दिया ठीक है, खुद से तो कुछ करना ही नहीं होता ना आप लोगों को, बट कोई नहीं, सबके साथ होता है, मैं ट्राई करूंगी कि अगली बार से आप लोगों के लिए इमेज लेकर आऊँ, ठीक है, डोंट वरी, और आपको इंजॉय कराऊंगी सेशन। अच्छा यहाँ आंसर क्या रहेगा, अगर मछली के अंदर मरकरी पहुंच चुका है, ऑप्शन नंबर बी, किसी वजह से अगर मरकरी पहुंच गया है मछली के अंदर या उस पानी में जहां पर मछली आपकी है, उस पानी के अंदर मरकरी की वैल्यू ज्यादा है, ऐसी मछली को खाकर मिनी माता हो सकती है, ठीक है, राइट, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से पूछा गया है, टेक्नोलॉजी ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन MICR व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, ट्राई करिए, ए बी सी या डी। अभिषेक घोष या ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसे नहीं पता है, कल भी क्लास आपकी शाम को 4 बजे ही रहेगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो क्लास, ठीक है, कल भी आप लोगों ने 4 बजे ही मुझे वाईफा स्टडी के मेन चैनल पर मिलना है। और बबलू प्रसाद 4 बजे क्लास रहेगा आपका, ठीक है, हाँ जी कृष्णा 4 बजे क्लास रहेगा कल, ओके। नीरज क्या कहते हैं, 2017 में एक पैक्ट हुआ था मिनी माता का वाटर पॉल्यूशन का, हाँ जी एक्चुअली जापान में बहुत बुरी तरह से फैल गया था। अच्छा आंसर क्या रहेगा, MICR बेसिकली किससे रिलेट करता है, तो आपका रहेगा इंक, है ना। MICR में क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, तो ये कंप्यूटर से रिलेट करता है,
MICR के कोड बने आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बार कोड बने आते हैं, तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, फिर रिपीट कर देती हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, डन। चलो अगला देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, बताइए हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, जे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जे चैडविक, हु वाज द वन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? संदीप मिश्रा, मिस वाइश, नीतीश, उपासना, रोशन कश्यप, बाबू, धनंजय, गुरप्रीत, कृष्णा, संदीप, सलेश, गोविंद, नीतीश, भाई एक नाम शायद पंजाबी में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके गाइस बताते रहिए आंसर्स। देखो टाइमर खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डाउट भी नहीं रहना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जे जे थॉमसन, है ना भाई, जे जे थॉमसन ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और मजे की बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो पर्पसली खोज रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा कि आज मुझे इलेक्ट्रॉन खोजना है, आज मुझे इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ खोजना है तो मैं उस पर काम करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। वो काम तो कर रहे थे कैथोड रेस पे, किस पे काम कर रहे थे, कैथोड रेस पे, कैथोड किरणों पे, और बाई डिफॉल्ट कुछ उन्हें ऐसा पार्टिकल मिला जो इलेक्ट्रॉन कहलाया। ठीक है, नेचर में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेचर रखता है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, व्हाट इज पॉलीग्राफ, ये बताइए पॉलीग्राफ क्या है। इट इज अ लाइट डिटेक्टर, इट इज अ साइन वेव ग्राफ, ग्राफ ऑफ ECG, अ सेट ऑफ ग्राफ, बताइए ABCRD। शिव राठौर, अच्छा मुझे वो बता रहे हो आप ट्रिक। रोशन कश्यप, मेरी क्लास डेली होती है, डेली मेरी क्लास होती है शाम को 5 बजे। ठीक है, तो अभी इस क्लास के बाद मैं आपको 5 बजे मिलूंगी वाईफाई 2.0 पे। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वाईफाई 2.0 का लिंक होगा, यहाँ पर मेरी क्लास होती है नेहा मैम के नाम से, विच इज माई नेम। ठीक है, नेहा मैम के नाम से मेरी क्लास होती है रोज शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे। तो इस क्लास के बाद आपका वहीं पर मिलने वाली हूँ मैं आपको, और वहाँ मैं आपको आज वीकेंड टेस्ट कराने वाली हूँ, यू कैन जॉइन मी देयर, राइट। ओके, आपका आंसर एक ही रहेगा और वो है आपका लाइट डिटेक्टर, है ना। आप लोगों को याद होगा एक आपका सीरियल आता था सच का सामना, कितने लोगों को याद है। तो सच के सामने में हम क्या करते थे, पॉलीग्राफ यूज करते थे, है ना, जो राजीव खंडेलवाल थे जो होस्ट थे उस सीरियल के, तो बहुत मजेदार सीरियल था, बहुत मजेदार वो एपिसोड्स आते थे, और वहां पर हम मशीन का यूज करते थे पॉलीग्राफ का, ताकि पता चले कि हु इज टेलिंग अ लाई एंड हु इज टेलिंग द ट्रुथ, है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी भी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोटॉन्स खो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स खो जाते हैं, या प्रोटॉन्स को हम लोग गेन करते हैं, बताइए ABCRD। ABCRD हाउसफुल मूवी में था, हाँ हाउसफुल मूवी में भी था, वहां पर भी था। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने कोई सीरियल या पर मूवी देखा होगा, है ना जी। हाँ मिस्टर स्टार्क भी सही कह रहे हैं, बहुत जरूरत है, और बेसिकली आजकल तो NC भी बहुत यूज कर रही है पॉलीग्राफ का, है ना। ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज हाइड्रोजन का लॉस होता है, और थर्ड चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर इनमें से कोई भी एक काम होता है तो ये आपका रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, खो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके खो दिए जाते हैं, हाइड्रोजन आपका खो दिया जाए या ऑक्सीजन को गेन किया जाए, आंसर आपका रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच इज नोन एज ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डन। वेरी गुड, एक और देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का प्रोसेस बच्चा क्या कहलाता है, ट्राई करो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। रिडक्शन को हम लोग कमी भी लिख सकते हैं और हिंदी में हम इसे अपचयन भी लिख सकते हैं। करिए ट्राई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है जी, न्यूमेरिकल का भी क्लास होता है श्रवण कुमार, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स भी कराए जाते हैं फिजिक्स में, बिल्कुल कराए जाएंगे, है ना, कंप्लीट पैकेज है ना साइंस का, तो कंप्लीट है पूरा का पूरा जी। वेरी गुड गाइस, अब आप लोगों को क्लियर हो गया, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए इसके अलावा अभी टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, उन्हें मैं आपको देने वाली हूँ और आप उन्हें ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने नहीं करना, ये रिपीट हो गया है ना, ये भी नहीं करना, ये भी रिपीट हो गया है, आप इसे करके लाना, ठीक है, ये आपके होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, आप इसे करके लाना और कल मुझे बताना कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, आप इसे करके लाना, और ये आपका होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं फॉर योर होमवर्क, इन्हें आप करके लाना, कल मुझे बताना सही आंसर्स क्या होंगे, राइट गाइज। सो गाइज हम लोग अब कल मिलेंगे वापस से, ठीक है, शाम को 4 बजे, टिल देन आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा दूं, मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पर रहने वाली हैं, नेहा मैम के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस हैं, 12 बजे क्लास होती है, 1 बजे क्लास होती है और 2:30 बजे क्लास होती है। अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो करना चाहते हैं तो YouTube पे मैं आपको अब मिलूंगी 5 बजे, वाईफाई 2.0 पे आप मुझे आज भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मंडे टू सैटरडे आपको मिलने वाली हूँ, और कल मैं आपको मिलूंगी शाम को 4 बजे, सेम प्लेस पे सेम जगह, ठीक है। ये आपका बैच है शाम को 5 बजे वाला, जो आपका वाईफाई 2.0 पर चलता है, तो इसमें सब कुछ है, आपका साइंस भी कवर कर सकते हो, आपके लिए सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं मैन सर, और विवेक सर आपको जीके पढ़ा देंगे, और आपके रीजनिंग जो पढ़ाते हैं अभिषेक सर, आपको रीजनिंग कवर करा देंगे। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, इफ यू गाइज इंजॉयड दिस सेशन, आप लोगों ने कुछ सीखा है, मजा आया है, देन डेफिनेटली क्लास को लाइक करके जाना, सेशन को लाइक करके जाना, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आप लोगों ने इंजॉय करा है, और मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूं, है ना। और शेयर कर देना अपने सब दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर देना ऑल दी कैंडिडेट जो आज नए थे, सभी नए कैंडिडेट सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अपन कल मिलते हैं, टिल देन अपना ख्याल रखिए, और जो लोग मुझे अभी फॉलो करना चाहते हैं 5 बजे, वो मेरे साथ अभी 5 बजे कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई 2.0 पर। बाकी सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, कल मिलते हैं वापस से 4 बजे, थैंक यू सो मच।